हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक टर्म को समझेंगे जो है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। कोर्ट सिर्फ एक टर्म को समझेंगे। अब देखिए, जो इसका सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और खासकर जो ये डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में भी बताया कि कौन कौन से सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर सेक्शन 3 की जो कुछ टर्म्स है, जैसे कि कोर्ट, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट, ये सब टर्म्स जो है कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और हमें ये डिटेल में पता होनी चाहिए। इसलिए इन टर्म्स को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कोर्ट टर्म को समझेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिर्फ फैक्ट टर्म को समझेंगे, फिर रेलेवेंट टर्म को समझेंगे, सारे डिटेल्ड केस लॉज के साथ और जितनी भी मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं उनसे स्टडी करते। अब देखिए, कोर्ट के ऊपर आते हैं, तो जब आप बेयर एक्ट के अंदर लैंग्वेज पढ़ेंगे, कोर्ट की जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जब उसको पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कोर्ट के लिए लिखा गया है कोर्ट इंक्लूड्स। वर्ड क्या यूज होता है? कोर्ट इंक्लूड्स। कोर्ट क्या इंक्लूड करता है? तो कोर्ट इंक्लूड करता है ये तीन चीजें। इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट की, और ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट पे एप्लीकेबल है और किसी एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि ये एक जनरल रूल नहीं है, मतलब ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है ये एक जनरल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये डेफिनेशन बनाई गई है। जहां पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये कोर्ट है या नहीं है, अगर ये डिसाइड होता है कि हाँ ये कोर्ट है, तभी उसके ऊपर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए सिर्फ ये वर्ड जो कोर्ट है यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये एक जनरल टर्म नहीं है कि आप हर जगह पे कोर्ट की सिर्फ यही डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए है। अब देखिए, कोर्ट इंक्लूड्स व्हाट? कोर्ट इंक्लूड थ्री थिंग्स: ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन अथोराइज टू टेक एविडेंस। अब सबसे पहले इसने बोला ऑल जजेस, तो जजेस को अब यहाँ पे एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। अगर आपको जजेस समझना है कौन होता है, तो उसके लिए हमारे पास तीन एक्ट है जहाँ पे जजेस की मीनिंग को समझा रखा है। सबसे पहले सीपीसी का अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें बता रखा है कि जज कौन होता है। दूसरा, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 19 पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझा रखा है कि जज कौन होता है। और तीसरा, जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा जज कौन होता है। तो सिर्फ यहां पे बताया कि ऑल जजेस, अब वो जजेस कौन जो इन तीनों एक्ट्स के अंदर बताए गए हैं। ऐसे ही मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट कौन होता है वो यहां पे नहीं बताया गया, मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया जाएगा कोर्ट में, लेकिन जो सीआरपीसी और जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 32 के अंदर बताया गया है, वो मतलब होता है मजिस्ट्रेट का। तो जजेस इन तीन एक्ट के हिसाब से आते हैं और मजिस्ट्रेट इन दोनों एक्ट के हिसाब से आते हैं। उसके अलावा बोला गया कि ऑल पर्सन ऑथराइज टू टेक एविडेंस, जितने भी व्यक्ति ऑथराइज किए गए हैं एविडेंस लेने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ये जनरल एप्लीकेबिलिटी है कि जिसको भी ऑथराइज कर दिया गया वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक अपील को सुन रहा है अंडर सेक्शन 163 ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एक्ट। यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसको ऑथराइजेशन नहीं दी गई, इसको लीगली ऑथराइज नहीं किया गया कि वो क्या करे, लीगली ऑथराइज नहीं किया गया कि वो क्या करे, एविडेंस ले। तो उसको लीगली ऑथराइज नहीं किया गया कि वो एविडेंस ले, तो वो जो डीएम है वो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा और एविडेंस एक्ट की जो प्रोविजंस है उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देखिए क्या होता है कि हम कोर्ट की डेफिनेशन लेने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस डीएम के सामने कोई स्टेटमेंट दी, तो कोर्ट, तो हमें एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि किसके सामने डेफिनेशन, अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो एडमिसिबल होगी, कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट देते हो तो इस तरीके से। अब वो कोर्ट होगा ही नहीं, तो इसके सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट दोगे तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी नहीं। जैसे पुलिस के सामने आप कोई स्टेटमेंट देते हो, तो पुलिस जो होती है वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती, ना ही वो जज है, ना ही वो मजिस्ट्रेट है, और ना ही वो ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए। तो अगर आप कोई स्टेटमेंट पुलिस के सामने देते हो तो वो कोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए वो एडमिसिबल भी नहीं होगी। सेम बात जैसे आप देखिए, कमीशन अपॉइंट होती है कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के अंदर,
तो यहाँ पे भी एक लंबा चौड़ा केस है, उसको हम अलग से समझ सकते हैं। तो ये जो कमीशन है ये ऑथराइज नहीं है एविडेंस लेने के लिए, इसलिए अगर इसके सामने आप कोई स्टेटमेंट देते हो, अगर ये कोई एविडेंस लेती है तो वो सेम तरीके से एडमिसिबल नहीं होगी कोर्ट के अंदर, जैसे पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती। इसी तरीके से मान लो कोई एसडीओ इलेक्शन पिटीशन सुनता है अपील के अंदर पंचायत राज एक्ट के अंदर, एसडीओ के पास भी ये ऑथराइजेशन नहीं दी गई कि वो किसी एविडेंस को ले, तो इसलिए वो भी कोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है उसके सामने जो प्रोसीडिंग चलती है उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं बोलते, और वो भी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, इसलिए एविडेंस एक्ट के अंदर जो कोर्ट वर्ड है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और हमने ये बात समझी कि ये जनरल रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आप हर जगह पे कोर्ट की डेफिनेशन यही यूज कर ले, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पे पर्सन लीगली ऑथराइज नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट कहलाती है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, ऑल पर्सन ऑथराइज टू टेक एविडेंस का, मान लीजिए कोई कमीशन अपॉइंट हुई पब्लिक सर्वेंट एक्ट के अंदर, पब्लिक सर्वेंट एक्ट के अंदर कोई कमीशन अपॉइंट हुई और इस कमीशन को क्या अथॉरिटी है कि वो एविडेंस ले सकती है, ऑथोराइज किया गया, तो ये भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, कोर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जैसे सीपीसी के अंदर भी कमीशन अपॉइंट की जाती है तो वो भी कोर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो ये चीज़ हमें कोर्ट के अंदर इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है, केस क्या, उसके अंदर एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था एमपी मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम। अब यहाँ पे जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 की अंदर कोर्ट की, वहाँ पे बताया गया है कि ये आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं करते, कोर्ट जो है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स इन तीनों लोगों को इंक्लूड करता है, तो आर्बिट्रेटर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। अब यही बात उठी इसके अंदर कि अगर एक ट्रिब्यूनल बनाई गई उसका नाम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रखा गया एमपी मध्यस्थन अधिकरण अधिनियम, अब देखिए मध्यस्थन का मतलब भी यही होता है, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि इसको ये पावर दी गई है कि ये क्या ले सकता है, एविडेंसेस ले सकता है, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा, कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा। तो ये चीज़ होती है कि क्या चीज़ कोर्ट है या नहीं है, और कोर्ट होने से क्या फ़र्क पड़ेगा और कोर्ट ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमें ये डिटेल में जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी अथॉरिटी कोर्ट होगी या कोर्ट नहीं होगी। सो अगर आपको ये टर्म समझ आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो इस टर्म के अंदर तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।